मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक लेडी ऐसे बोल रही थी कि उसे पूछा जा रहा था कि आप भी चर्च में गए, वहाँ पे गए, तो अब आप क्यों नहीं जाते। तो वो कहती जिस चीज़ के लिए हम गए हमारा वो काम हुआ नहीं। हाँ, जिस चीज़ के लिए वो गए थे उस लड़के के लिए, तो वो कह रहे कि वो तो जीवित नहीं रहा, तो अब क्या फ़ायदा फिर जाने का, वो तो जीवित नहीं रहा, क्या फ़ायदा जी। तो जे तो जी ठीक हो गया, ठीक है, नहीं तो हूँ दोबारा जिहड़े ईसाई धर्म दे विच गए सीगे एक परिवार वो वापस आए आ। वो भैन कहती है भी सानू ये कहिंदे सी तुहाडा बच्चा ठीक हो जाणा साडे धर्म च आ जाओ, कहिंदी साडा बच्चा ठीक नहीं होया, बच्चा रब नूं प्यारा हो गया। वो बहुत बीमार रहिंदा सी, इस करके सानू पिंड च उन्होंने कहा भी इहनूं उत्थे लै जाओ ते ठीक हो जाऊगा। नहीं, वो ठीक नहीं होए, इस टाइम उहनूं छड्ड के अलविदा कह गए जाने का। बोलो क्या है, अब क्या फायदा जीने। जो संसार की धार्मिकता करते हैं अगर उनमें कोई मरता है तो वो छोड़ देते हैं, बताओ मुझे, वो छोड़ देते हैं? जो अपनी वो धार्मिकता करते हैं उसे छोड़ देते हैं? पर मसीह में यही सत्य लोगों को समझ नहीं आ रही। वो लेडी कह रही है कि हम गए थे पर जिस चीज के लिए वो तो रहा नहीं, इसलिए अब हम नहीं जाते। फिर लोग कहते हैं कि हाँ ये झूठ है। बोलो क्या है, ये झूठ है। अगर किसी का एक काम नहीं हो रहा तो हम 99 कामों को ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं बोल सकते ना कि परमेश्वर कर नहीं रहा। हम अगर हम इतनी सैकड़ों गवाहियां सुनते हैं अगर किसी के नहीं हो रहे तो परमेश्वर जानता है उसके मन को, वो कैसा मन लेकर गई थी। हाँ, वो कैसा मन लेकर गई थी परमेश्वर के पास। हाँ, जहां वो सिर्फ अपने काम तक सीमित थी कि हाँ मेरा काम हो जाए। बोलो क्या है, मेरा काम हो जाए। समझ आ रही है? क्योंकि हम जानते हैं जैसे शद्रक मेशक आबेदनगो ने यीशु मसीह के प्रेम के लिए, उस यहोवा परमेश्वर के प्रेम के लिए उस नबूकदनेस्सर की बनाई हुई मूर्ति के आगे भी वो झुके नहीं, और किसके लिखा हुआ जलते हुए पट्टे में भी पढ़ने के लिए तैयार हो गई। ये है खुदा का प्रेम। अगर उनका विश्वास मजबूत था तो लिखा हालात उनका कुछ भी नहीं बगाड़ पाया। आमीन। मैंने कहा हालात उनका कुछ भी बगाड़ नहीं पाए। आज भी परमेश्वर सच्चा। बोलो कहीं आज भी वो काम करता है, ऐसे नहीं कि आज नहीं करता, आज भी करता है वो बड़े बड़े कामों को प्रकट कर। बोलो क्या है, बड़े बड़े कामों को आज भी वो कर रहा है। मगर ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे विश्वास के ऊपर, हमारे प्रेम के ऊपर, हमारी समझ के ऊपर। इसलिए आज का जो विषय है अनुग्रह को, पाप ध्यान अनुग्रह को समझने से ही मिलेगा बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन। क्या मिलेगा? फिर ही मिलेगा ये बहुतायत का जीवन, चोखा, जिसमें कोई कमी नहीं, जिसमें हम बीमार नहीं रहेंगे, सारी उम्र मर नहीं जाएंगे। जो चाहते हैं हम परमेश्वर से वो देगा। डॉक्टर ने कहा नहीं तू आज मां नहीं बन सकती। हाँ, उसने कहा तुझे ये हो गया, अब ये बीमारी सही नहीं होगी, तू ऐसे ही रहे, अब इसकी सेवा करो। कैसे इतनी सैकड़ों गवाइयां लोगों, समझ आ रही है? कितनों को आ रही है? तो उसका वादा है। बोलो क्या है, उसका वादा है। इसे लिखा धर्मी जन किससे जीता है? विश्वास से। बोलो किससे जीता है? वो विश्वास से जीता है। उसे पता है परमेश्वर सच्चा है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा। उसने वादा किया, उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या रहूंगा? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। आमीन।